dear friends today we will discuss one more important topic of history textbook for class 6th as you know that we are discussing chapter 4 in the earliest cities in this very topic in this very chapter so far we have discussed uh, the main contents of the chapter and we have also discussed the story of harappa what was um, harappa and we have discussed um, why in दिस वेरी सिविलाइजेशन इज़ नोन एज हरापन सिविलाइजेशन और इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव डिसकस सो फार इन द प्रीवियस वीडियो सो टुडे वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ सिटीज़ यानी जो सिटीज़ वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई या हरापन सिविलाइजेशन में पाई गई उनका ले क्या था वो किस तरज पर बनाई गई थी यानी उनके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे क्लियर तो वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्लियर तो स्टार्ट करते हैं आ, इस टॉपिक से फीचर्स ऑफ हरापन सिटीज़ यानी फीचर्स ऑफ सिटीज़ आर लेउट ऑफ सिटीज़ ऑफ हरापन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियर तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे यानी पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर था इन सिटीज़ का वो था सिटीज़ बाई डिवाइड टू टू पार्ट्स सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड uh, थी वो क्या था एक पार्ट एक था इट वॉज नोन एंड दूसरा पार्ट था इट वॉजन लोअर लोअर टाउन और लोअर पार्ट यानी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट तो जो ये सिटीज थी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी एक था स्टाडल तो दूसरा था लोअर टाउन क्लियर या लोअर पार्ट तो ये स्टाइडल क्या था स्टाडल ये सम्मालर एंड हायर था यह छोटा था और हायर था यानि हायर आई मीन टू इट वॉज़ बिल्ड ऑन अपर पार्ट ये थोड़ा एलिवेशन में बनाया एलिवेशन पर बनाया गया था क्लियर तो जैसे आपको मैं बताऊंगा ये जो है दिस वॉज द होल ले आउट ऑफ द सिटी ये जो अपर हिस्सा था अपर पार्ट ये स्मॉलर भी था छोटा भी था और हायर थोड़ा एलिवेशन पर बनाया गया था क्लियर और ये एरिया ये जो स्टैडल था इट वॉज़ एन एरिया फॉर अपर क्लास यहाँ पे जो रिच पीपल हुआ करते थे वही लोग यहाँ पे रहते थे क्लियर तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर था इस सैटाइडल का इस सैटाडल में बहुत सारी बिल्डिंग्स मतलब बनाई गई थी तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो सेटेडल बनाई गई थी वो थी सैटाइडल कम्पराइज इसमें गैलरीज थी इसमें रिलीजियस बिल्डिंग्स थी इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स थी एंड असम्बली हॉलस क्लियर दिज वैट द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स विच फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिटी यानी क्लियर अब दूसरा जो था लोअर पार्ट लोअर टाउन ये लोअर टाउन जो था ये लार्जर था ये बड़ा था क्लियर ये बड़ा था एंड लोअर पार्ट ये लोअर पार्ट था दैट इज़ बाय डिटरी पार्ट वाज मोस्टली प्रोन टू फ्लड्स यहाँ पे ज़्यादा मतलब फ्लड्स आते रहते थे क्लियर ये नीचे नीचे मतलब बना हुआ था तो इसी वजह से इट वाज मोस्टली प्रोन टू फ्लडस और इसमें क्या था एरिया फॉर ये सिंपल होता था ये पार्ट लोअर पार्ट लोअर पार्ट और एरिया फॉर कॉमन पीपल ये आम लोगों के लिए होता था यानी आम लोग उसमें रहते थे जी यानी हु आर नॉट मोस्टली रिच जो ज़्यादातर अमीर नहीं हुआ करते थे अब जो इम्पोर्टेंट दूसरा फीचर था इन सिटीज़ का वो था पीपल बिल्ट वन और टू स्टोरी हाउसेस ऑन आइडर साइड्स ऑफ द रोड्स यानी जो रोड्स वहाँ पे थे दे वर कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स यानी ऐसे होते थे रोड्स ऐसे 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 रोड्स होते थे क्लियर ये रोड जो होते थे ये आपस में राइट एंगल्स पे कट कर करते थे क्लियर इसने स्ट्रेट रोड्स बार बिल्ट आ, बिल्ट दिया क्लियर अब जो ये जो रोड्स रोड्स के दोनों साइड्स पे यानी इस साइड पे इस साइड पे यानी दोनों साइड्स पे ये लोग जो होते थे ये अपने घर बनाते थे इन ए प्लानड मैनर क्लियर एक प्लानिंग एक प्लानड मैनर के थ्रू एक वेल प्लानड मैनर के थ्रू वो यानी दीज पीपल द हर अपन पीपल बिल्ड टू दियर हाउसेज ऑन आदर साइड्स ऑफ द रोड द रोड आर कटिंग अक्रॉस वन एंड द यानी ये स्ट्रेट रोड्स होते थे क्लियर तो यही लिखा मैंने तो वो किस टाइप के यानी वन और टू स्टोरी यानी एक मंजिल का बनाते या दो मंजिल का बना रहे थे क्लियर तो कहाँ पे बनाते थे ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड रोड्स के दोनों साइड्स पे क्लियर और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर था इसका वो था सिटीज़ हैड ए वेल प्लानड ड्रेनेज सिस्टम यानी दिस वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हरापन सिविलाइजेशन क्लियर जो हरापन सिटीज़ थी उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम यानी जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल well प्लानड था क्लियर वो कैसे था कि ईच हाउस हैज़ इट इस ओन ड्रेनेज यानी हर एक हाउस का खुद की ड्रेनेज यानी मान लीजिए ये हाउस होता था यहाँ पे यानी जो भी उससे मतलब ड्रेनेज वेज मतलब फॉर एग्जांपल मतलब अनयूज वाटर निकलता था वो यहाँ से निकलता था ड्रेन से निकलता रहा। तो था तो दिस ड्रेन वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रेट uh, ड्रेन ये स्ट्रेट ड्रेन से कनेक्टेड होता था तो ये स्ट्रेट जो होता था ये फिर मेन ड्रेन से कनेक्ट होता, होता था ड्रेन से कनेक्टेड होता था क्लियर जैसे आजकल आप टाउन प्लानिंग जैसे सिटीज़ में आप देखते हो कि हर एक हाउस की अपनी अपनी ड्रेन होती है जो कि स्ट्रेट ड्रेन से कनेक्टेड होती है और वो स्ट्रेट ड्रेन फिर मेन ड्रेन से कनेक्टेड होती है क्लियर तो दूसरा आप सिटीज़ में ये भी फीचर देखते हैं कि वहाँ पे जो होता था कि एवरी ड्रेन इज़ कवर्ड ये कवर्ड होता था होता है होता था या मतलब अगर आप स्ट्रेट्स में देख देखोगे तो हर एक ड्रेन जो होता है वो कवर्ड होता है ऊपर से तो आप इस ड्रेन को क्लीन करने के लिए कहीं कहीं पर मेन होल्स होते हैं क्लियर मेन होल्स होते हैं ऐसे तो दिस वेरी फीचर वॉज मतलब प्रिवलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी टाइप की मतलब ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलइजेशन में कि हर एक हाउस का अपना अपना ड्रेनेज ड्रेन ड्रेन होता था तो वो ड्रेन कनेक्टेड होता था सिट्रेट ड्रेन से तो सिट्रेट ड्रेन जो होता था वो कनेक्टेड होता था मेन ड्रेन से तो अब इन ड्रेनेज़ को साफ कराने के लिए वहाँ पर मेन होल्स होते होते थे क्लियर तो मेन होल्स होते थे तो दूसरी बात कि ये जो ड्रेनेज होते थे ऊपर से कवर्ड होते थे किससे कवर्ड होते थे आइडर विद बर्न ब्रिक्स आर विद स्टोन सिलेबस क्लियर ये बर्न ब्रिक्स से कवर्ड होते थे या स्टोन सिलेबस से कवर्ड होते थे क्लियर तो दिस वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ़ मतलब हरपन सिटीज़ क्लियर तो वेल प्लानड ड्रेनेज सिस्टम था क्लियर तो वेल प्लान अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप ये कहोगे कि एवरी हाउस हैज ओन ड्रेन तो दिस ड्रेन वाज कनेक्टेड टू द द ड्रेन दिन ड्रेन वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन क्लियर तो द ड्रेन वाज कवर्ड विद स्टोन सिलेबस ये स्टोन सिलेबस से कवर्ड होता था या बर्न ब्रिज से कवर्ड होता था और उस ड्रेन को क्लीन करने के लिए वहां पे कुछ मेन होल्स होते थे क्लियर दूसरा था सिटीज दो अब क्या था ब्रिक्स वायर वेल ब्रिक्स वायर वेरी वेल बेकड जो ब्रिक्स वहाँ पे मतलब हरापन सिविलाइजेशन में वाली सिविलाइजेशन में मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सक्लेशन के दौरान मिले तो वो मोस्टली वायर बर्ंड ब्रिक्स ये बर्ंड ब्रेकर्स होते थे ये बेकड होते थे क्लियर बेकड़ होते थे बर्न ब्रिक्स तो दूसरा क्या था इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कुछ सिटीज़ में हमें फायर ऑल्टर्स मिल गए मिले थे क्योंकि फायर जो था वो मोस्टली मतलब इंपॉर्टेंट था उस टाइम मतलब हरपन सिविलाइजेशन के लिए क्योंकि फायर जो होता था इट वाज मोस्टली यूजड फॉर टू बर्न द ब्रिक्स यानी ब्रिक्स को बर्न करने के लिए फायर यूज़ किया जाता था यानी कुकिंग के लिए फायर यूज़ किया जाता था तो उसके ट्रेसेस हमें बहुत सारे सिटीज़ में मिले जैसे कालीबंगन में मिले हैं लोथल में मिले हैं क्लियर और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था हरापन सिटीज़ का वो था मोहनजन हैड यूनिक स्ट्रक्चर तो मोहजन जो था ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी हरापन सिविलाइजेशन में महिया uh, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लियर तो उसका एक इम्पॉर्टेंट यूनिक स्ट्रक्चर था वहाँ पे मतलब एक यूनिक स्ट्रक्चर हमें मिला तो वो क्या यूनिक स्ट्रक्चर था एक था ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस वेयर हाउस मीनज तो गोदाम एक दूसरा था ग्रेड बाथ तो ये ग्रेड बाथ जो था ये एक स्पेशल टैंक होती थी विच वॉज मोस्टली मैंट फॉर बाथिंग पर्पस ये बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था अब इसमें क्या था तो अगर आप ये देखोगे ये स्पेशल टैंक थी क्लियर ये बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था क्लियर तो ये मतलब जो प्रिस्टस विस्टिस होते थे तो रोलिंग क्लास जो होता था इसमें वो मतलब फॉर एग्जांपल नहाते थे अब के मतलब स्टेयर्स होते थे यानी सीढ़ियाँ होती थी दोनों साइड से नॉर्थ टू साउथ क्लियर ऐसे स्टेयर्स होते थे ऐसे क्लियर और उस वाटर तक तो पहुँचने के लिए यानी नहाने के लिए यहाँ से स्टेयर्स होते थे तो अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर था इस ग्रेट बाथ का वो था कि दिस ग्रेट बाथ वाज अटैच्ड विद रूम्स इसके रूम्स होते थे रूम्स होते थे ऐसे साइड में इसके रूम्स होते थे तो वहाँ पे वो मतलब क्लोथ चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते थे क्लियर दूसरा वो जो होता था कि नीचे नीचे जो था इन ऑर्डर टू मेक दिस टैंक वाटर प्रूफ यानि वाटर प्रूफ ताकि इसमें लीकेज ना हो जाए तो इट वॉज़ मतलब कवर्ड विद इट वॉज़ प्रोवाइडेड विद अ सीमेंटिंग मटेरियल यानी इसमें लाइम मोटर का यूज़ किया जाता था या तार टार यानी तार तो इसमें यूज़ किया गया था यानी बॉटम बॉटम पे ताकि इसमें वाटर लीकेज ना हो जाए क्लियर तो अब इस ग्रेट बाथ को वाटर कहाँ से आता था यानी यानी वाटर टू तो दिस ग्रेट बाथ वाज मतलब कमिंग फ्रॉम ए वेल विच वाज लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ द ग्रेट बाथ ग्रेट बाथ के कॉर्नर पे एक वेल बनाया गया था उसी वेल से इसमें पानी आता था क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो मोहनजन दौर में मतलब मिला मिला था क्लियर और इसमें मतलब एक इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इन सिटीज़ में सिटीज़ वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर ट्रेड यानी इन सिटीज़ से ट्रेड रेगुलेट होता था यानी इनलैंड ट्रेड होता था मतलब वो एक्सपोर्ट करते थे इंपोर्ट करते थे बहुत सारी कॉमोडिटीज बहुत सारे आइटम्स क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे ट्रेड के या क्राफ्ट प्रोडक्शन के जैसे चहना दारो जैसे काली बंगल क्लियर बैंगल मेकिंग के लिए काली बंगल फेमस था क्लियर बीड मेकिंग के लिए, लिए। चहना फेमस था क्लियर तो एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर भी इन सिटीज़ में मोस्टली प्रैक्टाइज़ किया जाता था क्लियर तो इसमें हम देखेंगे कि जो जो सिटीज़ हराबन सिविलाइजेशन में वहाँ से बहुत सारा ट्रेड भी रिगुलेट होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होती थी और एग्रीकल्चर भी प्रैक्टाइज़ किया जाता था क्लियर तो आई होप ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हर अपन के क्लियर तो इसी तरह से यानी उनका लेआउट आउट क्या था किस तरह से बनाए गए थे क्लियर मेन स्ट्रक्चर्स क्या थे इन स्टेज में किस स्टेज मतलब का uh, किन मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड थी हमने इसमें डिस्कस किया आई होप कि आपको ये वीडियो आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू